अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये सुबह का बज रहा है 10:30 और यहाँ पर हो रही है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो आप सोच रहे होंगे इतनी देर से ब्रेकफास्ट अब बनना शुरू हुआ है तो कब होगा। तो जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हमारे भाई की फैमिली आई हुई है, तो बच्चे हैं, तो जानते हैं छुट्टियाँ चल रही हैं तो बच्चों को उठने में देर हो रही है क्योंकि रात में देर तक जागा जा रहा है। तो यहाँ पर आज का ये ब्रेकफास्ट जो है वो मेरी भाभी बना रही है, हिना। तो ये बना रही है चिकन सैंडविच, एग यहाँ पर उसने बॉईल कर दिया है, और चिकन जो रात में हम लोगों ने बारबेक्यू किया था तो उसमें जो लेफ्ट ओवर था उसने उसको श्रेड कर लिया है, और श्रेड करके उसमें वेजीज उसने ऐड कर दी है और उसी के साथ वो बना रही है चिकन सैंडविच। बच्चों को बहुत पसंद है चिकन सैंडविच। तो ये देखिए फिलिंग हो गई है रेडी, और आज उसने किचन संभाल रखा है तो बाकी जो दूसरे काम है वो हम जब तक देख ले रहे हैं। और इसने इस तरह से इसमें देखिए चिली सॉस ऐड कर दिया है, साथ में उसने टोमेटो केचप उसमें डाला था और साथ में उसने मेयोनीज डाली थी। वहाँ पर तो हम थे नहीं, उसने किस तरह से बनाया अभी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं, तो इससे समझ में आ रहा है कि उसने इसे कैसे बनाया है। ब्लैक पेपर साथ में ऐड कर दिया है, हमने सोचा आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दे क्योंकि बहुत ही मज़े के ये बने थे। और ये देखिए ये फिलिंग हो गई है प्रॉपर ढंग से रेडी, और फिर उसके बाद इसने इसमें ब्रेड में इसको फिल कर दिया और इसे हम लोगों ने सैंडविच मेकर में बनाया था। तो बस आजकल घर में खूब रौनक लगी हुई है। अक्सर ऐसा होता था छुट्टियों में हम चले जाते थे पर इस बार वो लोग हमारे पास आ गए हैं, तो हम जाएं या वो आ जाएं क्या फर्क पड़ता है, बस बच्चों के मज़े होने चाहिए। छुट्टियां हैं तो बस बच्चों को किसी ना किसी तरह छुट्टियां कैसे स्पेंड करें, तो बच्चे बस। और ये देखिए आप हमारा यहाँ पे सैंडविच मेकर देख रहे होंगे, ये हमारी शादी का है, फिलिप्स का है, और ये अब्बू हमारे जो हैं कैंटीन से लाए हुए थे, हमने सोचा आपसे बता दें। और जब से माशाल्लाह ये हमारा सैंडविच मेकर चल रहा है, तो ये देखिए मज़ेदार सी हमारी सैंडविच हो गई है रेडी। उसके बाद हम सब ने ब्रेकफास्ट किया। ऐसा नहीं है कि बस सैंडविच खा के ही पेट भर गया, बच्चे हैं तो पता है थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बच्चों को चाहिए, तो बस थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ बन रहा था, तो सब कुछ शूट करना पॉसिबल नहीं था। जितना हो सका हमने शूट किया और आपके साथ शेयर कर दिया। और ये देखिए दोपहर का टाइम है, दोपहर क्या है उसके बाद बच्चे थोड़ा सा खेलने में बिजी हो गए, और फिर उसके बाद मामू के साथ बच्चे जो हैं वो जा रहे थे, हमारे घर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे आनंद भवन है, तो इनका प्रोग्राम बना कि आज 1 जनवरी है तो ये आनंद भवन और भरद्वाज वगैरह घूमा है। आनंद भवन में बच्चों को प्लेनेटोरियम देखना था, पर ये देखिए आप रश यहाँ पे देख लीजिए, इसलिए ना तो आनंद भवन का टिकट इन्हें मिल पाया, ना ये आनंद भवन जा पाए, और ना ही भारद्वाज पार्क। ऑलरेडी भारद्वाज पार्क आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं वहाँ की वीडियो, लेकिन इन लोगों को था कि पास में है चलो घूम के आए, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन ये कहीं भी नहीं जा पाए। रश आप देख लिए किस कदर का रश था कि फर्स्ट को लग रहा था पूरा शहर घर के बाहर निकल आया है और आसपास के लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, तो बहुत ही रश था। तो बस ये लोग घूम टहल के वहाँ से वापस आ गए और ये कहीं नहीं जा पाए। और शाम को इनको शादी में भी जाना है, एक शादी है तो वहाँ मेरी भाई की फैमिली जो है वो इनवाइटेड है, तो उन लोगों को जाना है, तो इसलिए ये था कि कहीं और जाने का प्रोग्राम बनाना भी बेकार था क्योंकि आज पूरे शहर में रश ही रश है, तो कहीं निकलना पॉसिबल है ही नहीं है। तो शाम का टाइम है और यहाँ पर बच्चे शाम को अपना शाम की चाय एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ये देखिए उनके पप्पा आ गए थे और वो बच्चों को, यानी मेरे हस्बैंड आ गए थे और बच्चों को थोड़ी देर के लिए आउटिंग के लिए ले जा रहे हैं, तो इन लोगों का प्रोग्राम बन गया था संगम पे जाने का। तो हमारे यहाँ माघ मेला स्टार्ट होने वाला है और ये हम वीडियो आपको 1 की शेयर कर रहे हैं, तब तक माघ मेला स्टार्ट नहीं हुआ था और 6 जनवरी से ये हमारा माघ मेला स्टार्ट हो गया है। और इनका पहला जो नहान होता है हिंदू रिलीजन का होता है ये माघी पूर्णिमा का, तो 6 जनवरी को इनका पहला जो नहान था वो था। और रश देखिए अभी से भीड़ आ गई है। और ये देखिए ये परेड ग्राउंड पे पहुंच गए हैं ये लोग,
और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो इस एरिया में पूरा एक नया शहर जैसे लगता है, आबाद हो जाता है, बस जाता है। तो यहाँ पर लाइटिंग आप देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है। रश तो यहाँ पर भी बहुत है। हम लोग नहीं गए थे, हम और भाभी नहीं गए थे, क्योंकि भाभी को जाना था शादी में, तो वो अपनी तैयारी में लगी हुई थी, और हमको भी मन नहीं था, हम अकेले क्या करते जा करके। तो पिछले व्लॉग में अभी ये जो मैंने आपसे पहले व्लॉग शेयर किया था, उसमें हमने दिखाया था कि हम अपने चचा को देखने के लिए अपने गांव गए हुए थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बड़े अफसोस के साथ हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारे चचा का इंतकाल हो गया है 2 की रात में, और आप लोग अल्लाह से उनकी मगफरत के लिए दुआ करिए। वो अब हमारे बीच नहीं हैं, हमारे अब्बू के वो छोटे भाई थे, सबसे छोटे थे। इनके बीच में हमारी 4 फुफ्फियाँ हैं, और उसके बाद ये सबसे छोटे थे, और ये अब हमारे बीच नहीं रहे। तो हमें ये पता नहीं था कि अभी हम लोग, ये देखिए सब लोग साथ में इकट्ठा थे, हंसी खुशी थे। हमें नहीं पता था कि वो हमारे बीच नहीं रहेंगे, इतनी जल्दी चले जाएंगे। बीमार थे पर लग रहा था कि ठीक हो जाएंगे। अभी हम उनसे मिलकर आए, बहुत सारी उनसे बातें की, पर अल्लाह की जैसी मर्जी, अल्लाह उनकी मगफरत करे, आमीन। तो ये बच्चे ये देखिए पहुंच गए हैं संगम पे, संगम नोस पॉइंट पे। तो ये यहाँ पर देखिए रात का टाइम कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे साइबेरियन क्रेन भी बहुत सारी आ गई हैं। तो इस सीज़न में यहाँ पर साइबेरियन क्रेन देखने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठंड बाहर बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों ने यहाँ पर कैमल राइडिंग की और पापा के साथ घूमे फिरे। सामने आप देखिए लाइटिंग देखिए, बोर्ड देखिए, और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी बच्चे बता रहे थे, और हम ये देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे भी रश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 1 जनवरी है, और लोगों को घूमने फिरने के लिए आसपास कहाँ जाना, तो ये सब एक पिकनिक स्पॉट हो जाता है। तो बस लोग यहीं पर आ जाते हैं, घूम फिर लेते हैं। तो ये देखिए आप दूर दूर तक नज़र डालिए, पूरी पूरा एक शहर यहाँ पे बसा हुआ है, टेंट का शहर, तंबुओं का शहर। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर के इकट्ठा हो गए हैं, और अब यहाँ पर वो लोग कल्पवास करेंगे, शायद कल्पवास ही इसे बोलते हैं, जो 45 डेज का होता है, जो माघी पूर्णिमा से शुरू होता है और मेरे ख्याल से शायद शिवरात्रि के नहान तक जाता है। इस बीच में 3-4 नहान भी होते हैं, जिसमें मकर संक्रांति यानी खिचड़ी का नहान मेन होता है। तो ये लोग 45 डेज तक यहाँ पर रहते हैं, और ये देख रहे हैं आप, ये कैमल को देखिए कितने अच्छे से ये दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तो बच्चों को बहुत मज़ा आया। मैं 1-1.5 घंटा यहाँ पे लगा था, क्योंकि ये भी हमारे घर से काफ़ी करीब है, और अब नहान शुरू जब हो जाएगा तो फिर यहाँ पर नो एंट्री हो जाएगी, यानी गाड़ियाँ अंदर नहीं जा पाएंगी, पैदल ही इस एरिया में जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह बीच में जब हम लोग जाएंगे तो आपके साथ वहाँ का वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। हर साल हम लोग जाते हैं, वैसे तो 2 साल से जाना नहीं हुआ था, कोविड की वजह से काफ़ी यहाँ पर प्रिकॉशन लिए जा रहे थे, एंट्री पे रोक लगी हुई थी, लेकिन इस साल अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ ठीक ठाक है, और बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पे तैयारियाँ हुई हैं। और बच्चे ये देखिए राइडिंग करके कैमल की कैसे उतर रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे ये बैठ गए हैं उसके ऊपर। मुझे याद है बचपन में एक बार जयपुर में हम अब्बू के साथ, अब्बू ने हमें बिठाया था जब हम जयपुर गए थे आमेर फोर्ट देखने के लिए, और शायद आलिया के ही इतने बड़े थे, लेकिन मैं कैमल पे नहीं बैठी थी। बना के रखा है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी 14 के बाद स्टार्ट होगा मेला, तो अभी बस ऐसे ही है, थोड़ा बहुत आके लोग देख ले, लेकिन बाद में स्टार्ट होगा कुंभ।
बैठने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे उसका बॉडी सॉफ्ट सॉफ्ट सी उसका हेयर लगा, बॉडी टच हुई, तो मैं उस पर से फौरन के फौरन उतर गई। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी भी देख सकते हैं, प्रॉपर ढंग से बहुत अच्छी सिक्योरिटी यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कितनी सारी साइबेरियन क्रेन्स हैं, तो अभी जानवरी भी है इसकी वजह से भी आई है। और जब हम लोग 2 ईयर्स पहले आए थे तब यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, और पहले बोट्स भी नहीं थी यहाँ पर, तो एकदम डायरेक्टली दिख रहा था पूरा, बहुत अच्छा लग रहा। तो दिन में भी यहाँ बहुत रश रहता है, लेकिन रात में जब लाइट वगैरह चल जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है ये एरिया। और दूर दूर से जब आप इसे देखिए, यानी फ्लाईओवर से या ब्रिज पर से देखिए, तो और खूबसूरती इसकी नज़र आती है। तो बच्चे दिन में तो गए थे घूमने के लिए, लेकिन वो जा नहीं पाए, घूम नहीं पाए थे, तो चलो शाम को ही सही बच्चों को पापा ने थोड़ी सी आउटिंग करा दी और बच्चे फ्रेश हो गए, खुश हो गए। तो बच्चों ने इस तरह से अपना 1 जनवरी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लिया। देखिए किस कदर की ठंड है। और आज जब हम यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहे थे तो हमारे यहाँ टेम्परेचर 5 डिग्री है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड है। ये है इलाहाबाद का फोर्ट, जिसे अकबर का किला बोलते हैं। तो ये संगम पर है, तो इसकी पुरानी दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी। तो कभी इंशाल्लाह, वैसे तो ये बंद है, ये आर्मी के अंडर में है, और थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ है। कभी हम इंशाल्लाह अगर उस साइड जाएंगे तो जहाँ तक हो सकेगा कवर करके हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। और जो यहाँ से पुराने लोग हैं जो यहाँ से बिलोंग करते हैं वो गए होंगे ज़रूर, उसको इन्होंने देखा होगा। और ये देखिए ये पुराना यहाँ पर ये मंदिर है, इसको हमने अपने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर किया था। तो ये आदि शंकराचार्य विमान मंडपम मंदिर है, और यहाँ पर हमारे यहाँ की ग्रेनाइट लगा हुआ है। तो बच्चे इस तरह से घूम टहल के घर आ गए हैं, रास्ते में इन लोग इमरान से मिले, कैट से खेला इन लोगों ने। तो आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।